मेहनत आदत बन जाए, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। हेलो दोस्तों, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जय जगेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको हेल्पफुल रहने वाले हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्यमान का नामकरण किसने किया था। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था। ऑप्शन ए है हमारा न्यूटन, ऑप्शन बी है हमारा पुरकिंजे, ऑप्शन सी है हमारा मैक्सवेल, ऑप्शन डी है हमारा मेडल। तो जो जीव द्रव्य का नामकरण किया था वो किया था पुरकिंजे ने, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी धातु कमरे में तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु कमरे में तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है। ऑप्शन ए है हमारा ब्रोमीन, ऑप्शन बी है हमारा कार्बन, ऑप्शन सी है हमारा सल्फर, ऑप्शन डी है हमारा ऑक्सीजन। तो जो कमरे की तापमान अवस्था में होती है वो होती है ब्रोमीन, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। ऑप्शन ए है हमारा हाथी, ऑप्शन बी है हमारा ऊंट, ऑप्शन सी है हमारा कंगारू, ऑप्शन डी है हमारा शुतुरमुर्ग। तो जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है शुतुरमुर्ग की, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है हमारा राइबोसोम, ऑप्शन बी है हमारा माइटोकांड्रिया, ऑप्शन सी है हमारा कोलोसर्पाइल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रोटीन की फैक्ट्री होती है वो होती है राइबोसोम, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है। क्वेश्चन है हमारा, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है। ऑप्शन ए है हमारा साइटोप्लाज्मा, ऑप्शन बी है हमारा प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन सी है हमारा नाभिकीय झिल्ली, ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो जो कोशिका की बाहरी दीवार का नाम है वो होता है प्लाज्मा झिल्ली, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। क्वेश्चन है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है हमारा राइबोसोम, ऑप्शन बी है हमारा कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी हमारा लाइसोसोम, ऑप्शन डी हमारा माइटोकांड्रिया। तो जो कोशिका की आत्मघाती थैली को कहा जाता है उसे कहा जाता है लाइसोसोम, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। ऑप्शन ए है हमारा किडनी, ऑप्शन बी है हमारा हृदय, ऑप्शन सी है हमारा फेफड़े, ऑप्शन डी हमारा मस्तिष्क। तो जो रक्त का शुद्धिकरण करता है वो होता है किडनी, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है हमारा एटीपी, ऑप्शन बी है हमारा नेफ्रॉन, ऑप्शन सी है हमारा न्यूरॉन, ऑप्शन डी है माइटोकांड्रिया। तो जो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं उसको एटीपी कहते हैं, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवक शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है। क्वेश्चन है हमारा, कवक शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है हमारा जीवाणु, ऑप्शन बी है हमारा विषाणु, ऑप्शन सी हमारा लाइकेन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो कवक शैवाल का सहजीवी कहलाता है वो कहलाता है लाइकेन, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है हमारा लुई पाश्चर, ऑप्शन बी है ग्राहम बेल, ऑप्शन सी है हमारा मेडेल, ऑप्शन डी है हमारा न्यूटन। तो जो रेबीज के टीके की खोज की थी वो की थी लुई पाश्चर ने, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। क्वेश्चन क्या है,
पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए है हमारा फ्रक्टोज, ऑप्शन बी है हमारा ग्लूकोज, ऑप्शन डी सी है हमारा सिलिकोज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पादपों की कोशिका झिल्ली बनी होती है वो होती है सिलिकोज की, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऐसा कौन सा जीव है जिनके आरबीसी में केंद्रक होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जिनके आरबीसी में केंद्रक होता है? ऑप्शन ए है हमारा लामा, ऑप्शन बी है हमारा ऊंट, ऑप्शन सी है हमारा ए प्लस बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो जीव का जिनके आरबीसी में केंद्रक होता है वो लामा तथा ऊंट दोनों होते हैं, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है हमारा मेरास्मास, ऑप्शन बी है हमारा क्वाइस्कार, ऑप्शन सी है ए प्लस बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटीन की कमी से होते हैं मेरास्मास तथा क्वाइस्कार दोनों, तो राइट आंसर होगा हमारा ए प्लस बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा टाइलिन, ऑप्शन बी है हमारा एमाइलोज, ऑप्शन सी है हमारा ए प्लस बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य की लार में एंजाइम पाए जाते हैं टाइलिन और एमाइलेज दोनों, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में भोजन का संचय किस रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है हमारा स्टार्च। तो पेड़ पौधों में भोजन का संचय पाया जाता है स्टार्च में, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया का रोग कारक क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया का रोग कारक क्या होता है? ऑप्शन ए है हमारा प्लाज्मिडिक प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी है हमारा विषाणु, ऑप्शन सी है हमारा जीवाणु, ऑप्शन डी है हमारा कवक। तो मलेरिया रोग का कारक जो होता है वो होता है प्लाज्मिडिक प्रोटोजोआ, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने इंसुलिन की खोज की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वैज्ञानिक ने इंसुलिन की खोज की थी? ऑप्शन ए है हमारा वेस्ट, ऑप्शन बी है हमारा वेटिंग, ऑप्शन सी है हमारा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। की थी वेस्ट और बैटिंग दोनों ने, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? ऑप्शन ए है हमारा नाइट्रेट, ऑप्शन बी है हमारा कार्बन, ऑप्शन सी है हमारा सल्फर, ऑप्शन डी है हमारा ऑक्सीजन। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है, तो वो होता है नाइट्रेट की, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? ऑप्शन ए है हमारा लागामेट, ऑप्शन बी है हमारा फीमर, ऑप्शन डी है हमारा टेडन, ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है वो होता है टेडन, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।